हाय बच्चों, तो आज स्टार्ट हम लोग करते हैं मॉडुलस का नेक्स्ट लेक्चर। दो लेक्चर आपका कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा, सेकंड लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने प्रॉब्लम देखा। प्रॉब्लम का और भी वैरायटी है बच्चों, अच्छे से देखेंगे समझेंगे। अभी इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं मॉडुलस पे, क्योंकि इक्वेशन हम लोग सारा कंप्लीट कर लेंगे तो इनिक्विटी पे आएंगे बच्चों। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉब्लम डिस्कस किया, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम से बच्चों। तो लिखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम, x माइनस वन का मॉड x माइनस टू का मॉड x माइनस थ्री का मॉड इक्वल टू सिक्स दिया हुआ है। तीन तीन मॉड है, दो दो मॉड पे मैंने डिस्कशन किया था। तीन तीन मॉड होगा तो कैसे डिस्कशन करेंगे बच्चों? जितना मॉड होगा, कॉन्सेप्ट नहीं बदलने वाला है, जितना मॉड होगा सबके अंदर के क्वांटिटी को जीरो से इक्वेट करेंगे। एक्स का कितना वैल्यू आएगा बच्चों? यहां से आएगा वन, यहां से आएगा टू, यहां से आएगा थ्री। दिस इज केस वाई केस बनेगा बच्चों। तो पहले आएगा वन, फिर आएगा टू और फिर आएगा थ्री। नंबर लाइन कितना टुकड़ा में बट गया बच्चों? चार टुकड़ा में बट गया। नंबर लाइन आपका चार टुकड़ा में बट गया, केस वन, केस टू, केस थ्री एंड केस फोर होगा बच्चों। ध्यान देंगे कैसे हम लोग हैंडल करेंगे केस को। पहले लिखेंगे बच्चों केस वन, पेशेंसली बनाएंगे, एक्स लेस देन इक्वल टू वन, केस टू वन से एक्स टू के बीच, केस थ्री लेंगे बच्चों, केस थ्री लेंगे टू से एक्स थ्री के बीच, और लास्ट केस लेंगे केस फोर बच्चों, एक्स ग्रेटर देन थ्री बच्चों। समझेंगे अच्छे से। वन पे यहां इक्वल, यहां नहीं लगाए, दो पे कहीं एक जगह इक्वल लगाइए, यहां लगा देते हैं, और तीन पे कहीं दोनों में से एक जगह लगा सकते हैं, यहां लगाइए तो यहां लगाइए, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा प्यारे बच्चों। बच्चों मॉड को तोड़ने का आपके पास बस एक ही उपाय है, मॉड के अंदर का साइन पता करिए बच्चों कि मॉड के अंदर पॉजिटिव है या निगेटिव। पॉजिटिव होगा तो डायरेक्ट बाहर, निगेटिव होगा तो बाहर आएगा विथ माइनस साइन। हा या ना बच्चों? तो वन से छोटा आप कोई एक वैल्यू मन में एज्यूम कीजिए बच्चों। आप सीखिएगा, प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, सारा वैरायटी हम बताएंगे, अच्छे से सीखना बच्चों। वन से छोटा कोई एक वैल्यू एज्यूम कीजिए, वन से छोटा जीरो, निगेटिव, 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 तीनों कैसे बाहर आएगा? तीनों माइनस साइन के साथ बाहर आने वाला है बच्चों। माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस थ्री एक्स, वन टू थ्री, थ्री सिक्स, सिक्स इक्वल टू सिक्स बच्चों। तो यहां से आ जाएगा माइनस थ्री एक्स इक्वल टू जीरो, यानी एक्स इक्वल टू आ जाएगा जीरो। लेकिन आपको आंसर का केस के साथ इंटरसेक्शन करना होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। बट एक्स जो होना चाहिए बच्चों एक से छोटा होना चाहिए। आपने ये डिटरमाइन करके बैठे हुए हैं कि आपको एक्स जो लेना है वो एक से छोटा लेना है। हाँ या ना बच्चों? तो एक से छोटा जीरो वैलिड होगा, तो आप बोलिएगा हाँ सर, ये जीरो आंसर का पार्ट होगा, ये जीरो आंसर का पार्ट होगा। नहीं होता तो क्या करते बच्चों? फाइव, नो सोल्यूशन में चला जाता बच्चों। चलिए सेम प्रोसेस से आते हैं केस टू पे। वन और टू के बीच कोई एक वैल्यू मन में एज्यूम कीजिए बच्चों, 1.5, 1.5 माइनस वन, पॉजिटिव, निगेटिव, निगेटिव, ये डायरेक्ट बाहर आएगा और ये दोनों माइनस साइन के साथ बाहर आएगा। हाँ या ना? एक्स एक्स कैंसल आउट, कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा माइनस एक्स और ये आ जाएगा थ्री, थ्री टू फाइव, फाइव में से वन गया फोर, और ये इधर चला जाएगा सिक्स, यानी माइनस एक्स इक्वल टू टू, एक्स इक्वल टू माइनस टू। कैलकुलेशन देख लेंगे, माइनस एक्स और ये हो जाएगा प्लस टू और प्लस थ्री फाइव, फाइव में से वन गया फोर, सिक्स, फोर उधर गया टू, माइनस एक्स इक्वल टू टू, एक्स इक्वल टू माइनस टू। लेकिन आपको केस के साथ इंटरसेक्शन लेना है, वन से टू के बीच ही लेना है। आप बोलिएगा नहीं सर नहीं आ रहा है, हम बोलेंगे ठीक है नहीं आ रहा है तो फाइव हो जाएगा। केस टू में आंसर कितना आ गया बच्चों? फाइव आ गया, नो सॉल्यूशन मिला। अब आते हैं बच्चों केस थ्री के तरफ। केस थ्री के तरफ टू से थ्री के बीच में, दो और तीन के बीच में इस मॉड को ब्रेक करना है, तो 2.5 पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव, ये आएगा डायरेक्ट बाहर बच्चों, ये आएगा डायरेक्ट बाहर और ये आएगा माइनस साइन के साथ बाहर। हाँ है ना? अब ये एक्स एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा? एक्स माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री और ये हो जाएगा प्लस थ्री इक्वल टू सिक्स,
यानी x इक्वल टू हो जाएगा 6 बच्चों, लेकिन आपको 2 से 3 के बीच ही सीमित रहना है, ये आंसर हो जाएगा इसमें 5 हो जाएगा, नो सॉल्यूशन में चला जाएगा, नो सॉल्यूशन में चला जाएगा बच्चों। चलिए लास्ट केस देखते हैं, 3 से बड़ा कुछ भी लेंगे 4, तीनों पॉजिटिव होगा, तीनों मॉड से डायरेक्ट बाहर आएगा, बस मॉड को तोड़ना आप सीख लीजिए। कितना बच्चों 3x माइनस 6 इक्वल टू 6, 3x इक्वल टू 12, x इक्वल टू कितना 4, 4 आंसर का पार्ट होगा कि नहीं होगा, आपको x जो लेना है वो 3 से बड़ा लेना है, हाँ सही है 4 आंसर होगा। आंसर का केस के साथ इंटरसेक्शन दिमाग में बैठाइए, आंसर का केस के साथ इंटरसेक्शन, एंड फाइनल आंसर इज द यूनियन ऑफ ऑल द केसेस, केस 1 में 0, केस 2 और केस 3 में कुछ नहीं मिला, केस 4 में 4 मिला, तो आंसर हो जाएगा बाबू 0 और 4 हो जाएगा, ये सिर्फ 0 और 4 होगा, केस 2 और केस 3 में मुझे कुछ नहीं मिला, 5 हो गया नल सेट। सॉल्यूशन नोट करेंगे बच्चों, आ रहा है सॉल्यूशन समझ में, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं बच्चों। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको 4 केस में बना, कितना भी केस में जाए आपको उससे टेंशन नहीं लेना है, बस आपको कॉन्सेप्ट पे सीमित रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, सॉल्व 4 माइनस मॉड एक्स माइनस 1 पूरे का मॉड इक्वल टू 3। और एक और हम लिख लेते हैं सवाल, एक्स माइनस 4 माइनस एक्स का मॉड पूरे का मॉड माइनस 2x इक्वल टू 4। बच्चों आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, हम लोग अभी इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम इनइक्वालिटी में नहीं गए हैं मॉड के, अभी हम सारा सवाल जो आपको बता रहे हैं वो मॉड के इक्वेशन पे बेस्ट है, हटाते हैं बच्चों। ध्यान देंगे मॉड को तोड़ना इंपॉर्टेंट है, और मॉड को तोड़ने के लिए मॉड के अंदर का साइन पता होना होगा कि मॉड के अंदर पॉजिटिव है या निगेटिव। चलिए 4 माइनस मॉड एक्स माइनस 1 का मॉड इक्वल टू 3, पहले ध्यान देना है बच्चों कि क्या ये प्रॉपर्टी से टूटेगा कि नहीं टूटेगा, जहां पे प्रॉपर्टी वैलिड होगा वहां पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जहां पे प्रॉपर्टी वैलिड नहीं होगा वहां पे हम केस बाई केस ब्रेक करेंगे। कितना कॉन्सेप्ट आ रहा है समझ में, आपने क्या पढ़ा है बच्चों मॉड एक्स इक्वल टू ए, प्रॉपर्टी नंबर 9 पे जाइए, एक्स इक्वल टू कितना बच्चों प्लस माइनस ए, कि बड़ा वाला मॉड टूट जाएगा क्या, मॉड एक्स इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए प्लस माइनस 3, हाँ या ना बच्चों, प्लस लेंगे तो कितना आएगा 4 माइनस मॉड एक्स माइनस 1 इक्वल टू 3, और एक लेंगे 4 माइनस मॉड एक्स माइनस 1 इक्वल टू माइनस 3, यहां से मॉड एक्स माइनस 1 कितना बच्चों 1, और यहां से मॉड एक्स माइनस 1 कितना बच्चों 7, मॉड एक्स इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए, यहां से x आ जाएगा 1 प्लस माइनस 1 x आ जाएगा 2 और 0, ठीक है। फिर यहां पर प्रॉपर्टी वैलिड है मॉड एक्स इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 7, x इक्वल टू प्लस माइनस 7 प्लस 1, तो 7 लेंगे तो 7 1 8 और माइनस 7 प्लस 1 माइनस 6, तो आपका 4 आंसर आ जाएगा 0 2 माइनस 6 और 8, यहां से 2 आंसर आया, यहां से 2 आंसर आया, तो यहां लिखते हैं फाइनल आंसर 10 x बिलोंग्स टू 2 0 6 माइनस 6 और 8। यानी बच्चों यहां पे आपका केस नहीं लेना पड़ा क्योंकि ये डायरेक्ट टूट गया मॉड एक्स इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए, तो जहां पे प्रॉपर्टी वैलिड होगा वहां पे हम लोग डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जहां पे प्रॉपर्टी वैलिड नहीं होगा बच्चों वहां पे केस लेकर के बनाएंगे। तो पहले यहां पे बड़ा वाला मॉड टूटा, फिर बाद में छोटा वाला मॉड टूटा, और यहां से 2 आंसर इधर से 2 आंसर आया, तो टोटल 4 सॉल्यूशन होगा इसका, 4 सॉल्यूशन आपका आ गया बच्चों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसके सेकंड नंबर देखिए, x माइनस 4 माइनस एक्स का मॉड माइनस 2x इक्वल टू 4 है, कुछ इसी टाइप का सवाल है बच्चों, बोर्ड पे ध्यान देंगे, x माइनस 4 माइनस एक्स का मॉड उधर भेजेंगे तो आ जाएगा 2x प्लस 4, यहां पे प्रॉपर्टी नहीं ले सकता है मॉड एक्स इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए नहीं लगेगा,
क्योंकि दिस इज नॉट पॉजिटिव। वो प्रॉपर्टी वैलिड कब होता है? हम तीन केस में पढ़ा है बच्चों, जब पॉजिटिव हो, जब निगेटिव हो और जीरो हो। बच्चों मैंने आपको कभी वेरिएबल के साथ नहीं बोला है कि मॉड एक्स इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए होगा। तो बोले सर आप क्या करेंगे, तो अब आपके पास वही उपाय है कि मॉड को तोड़ने के लिए केस में बांटना होगा। तो पहले इस मॉड के अंदर के क्वांटिटी को जीरो करेंगे तो कितना आएगा, फोर माइनस एक्स को जीरो करेंगे तो एक्स कितना आएगा, फोर आएगा। फिर पूरे को जीरो करेंगे तो एक्स माइनस मॉड फोर माइनस एक्स को जीरो करेंगे तो कितना आएगा। फिर तो ये वेरिएबल के टर्म में आएगा। चलिए पहले छोटा वाला मॉड को ब्रेक करते हैं और फिर देखते हैं कि बड़ा वाला मॉड कैसे ब्रेक होता है। पहले छोटा वाला मॉड फिर बड़ा वाला पे सोचते हैं। तो बच्चों पहले हम छोटे वाले मॉड अंदर वाले मॉड को तोड़ने के लिए मैंने दो केस लिया, एक्स इक्वल टू फोर आया, लेकिन इससे सिर्फ अंदर वाला मॉड टूटेगा, बाहर वाला मॉड नहीं टूटेगा। तो पहले हम इसको डिवाइड करते हैं बच्चों, केस वन। केस वन हो गया बच्चों एक्स लेस देन इक्वल टू फोर, और केस टू हो जाएगा आपका एक्स ग्रेटर देन फोर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ अभी ये बोलिए सर ये भी तो तोड़ना होगा, वेट कीजिए। इसको मान लेते हैं कैपिटल ए बच्चों, कैपिटल ए। चलिए बच्चों पहले कैपिटल ए को तोड़ते हैं। चार से छोटा, चार से छोटा कोई वैल्यू लीजिए तो थ्री, थ्री यहां डालिए तो बच्चों पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा तो कैसे बाहर आएगा, एक्स माइनस, और ये मॉड के साइन से डायरेक्ट बाहर आएगा नहीं आएगा, पॉजिटिव होगा तो डायरेक्ट बाहर। तो ये फोर माइनस एक्स बच्चों डायरेक्ट बाहर आ गया, यहां बचा टू एक्स प्लस फोर बच्चों। तो ये कितना आ गया बच्चों, यहां पे आ गया टू एक्स माइनस फोर, और ये आ जाएगा टू एक्स प्लस फोर। ये स्टेप समझ में आ रहा है कि नहीं, ये जो मॉड के अंदर का क्वांटिटी है ये डायरेक्ट बाहर आ गया, पॉजिटिव है तो ये 2x माइनस फोर। अब ये फिर इसको तोड़ने के लिए केस लेंगे तो यहां पे आपका आएगा x इक्वल टू टू। फिर इस मॉड को तोड़ने के लिए फिर से केस लेंगे, आएगा आपका x इक्वल टू टू। लेकिन आपको इस पहले जो आपने क्या किया है कि 4 से छोटा है, इधर आपको सोचना ही नहीं है, समझेंगे अच्छे से। मेन जो केस है बच्चों उसमें आपने पहले 4 से छोटा ले लिया है, उस रिस्ट्रिक्शन को नहीं भूलना है। फिर अंदर में जो केस आया वो आया दो, फिर दो से छोटा और दो और चार के बीच में, चार से बड़ा मैंने पहले ही वायलेट कर दिया, नहीं लेना है। चलिए फिर एक केस लेंगे, इसके अंदर फिर से केस लेंगे, केस वन सब केस एक्स लेस देन इक्वल टू टू, और फिर से यहां लेंगे केस टू, टू से एक्स कितना फोर। दो से छोटा फिर कोई वैल्यू लेंगे, इसको मान लेते हैं बी, समझा रहे हैं बच्चों। दो से छोटा कोई वैल्यू लेंगे कितना वन, वन डालेंगे तो कितना आएगा बच्चों नेगेटिव, माइनस आएंगे साथ बाहर आएगा टू एक्स माइनस फोर, और ये आ जाएगा टू एक्स प्लस फोर। कितना बच्चों माइनस टू एक्स प्लस फोर इक्वल टू टू एक्स प्लस फोर, कितना फोर एक्स इक्वल टू जीरो, यानी एक्स कितना आ रहा है जीरो आ रहा है, और आपको दो से छोटा लेना है, सही है, बट एक्स जो है दो से छोटा लेना है, मतलब जीरो इज वैलिड, जीरो सही है। चलिए दो से चार के बीच तीन लेते हैं, इस बी को तोड़ना है, तीन लेंगे तो थ्री टू जो सिक्स माइनस वन, सिक्स माइनस फोर पॉजिटिव डायरेक्ट बाहर, टू एक्स माइनस फोर टू एक्स प्लस फोर, टू एक्स कैंसिल आउट, माइनस फोर इक्वल टू फोर, ये वैलिड नहीं है, फाइव है, स्टेटमेंट इज फॉल्स, फाइव हो गया, यानी सिर्फ कितना मिला बच्चों जीरो मिल गया इधर से। चलिए बढ़ते हैं केस टू के तरफ, केस टू में चार से बड़ा लेना है, चार से बड़ा लेना है पांच, तो चार में से पांच गया नेगेटिव, माइनस एन के साथ बाहर आएगा, ये बन जाएगा प्लस ऑफ फोर माइनस एक्स, टू एक्स प्लस फोर। कितना बच्चों फोर का मॉड फोर इक्वल टू टू एक्स प्लस फोर, यानी टू एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो आया, लेकिन आपको चार से बड़ा लेना था तो जीरो नहीं होगा, इसमें फाइव मिल जाएगा। चलिए इसमें फिर सब केस क्यों नहीं लेना पड़ा, अंदर में मॉड बचा ही नहीं, तो सिर्फ आंसर कितना हो जाएगा बच्चों
जीरो हो जाएगा, दस एक्स इक्वल टू जीरो इज द आंसर। आपको इसको चेक भी कर सकते हैं, x के जगह जीरो डालिए मेन इक्वेशन में, तो फोर का मॉड फोर, पूरे बड़े वाले मॉड फोर, फोर इक्वल टू फोर, सही है, आंसर इज जीरो, जीरो इज द ओनली सॉल्यूशन। तो इस तरह से आप मॉड के अंदर मॉड भी रहेगा, टिपिकल भी रहेगा, तो आप सोच सकते हैं बच्चों कि कैसे हैंडल करना है। बच्चों एक नोट पॉइंट लिखेंगे, नोट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ये नोट इंपॉर्टेंट है, चलेंगे। अंडर रूट ए स्क्वायर को हमेशा क्या लिखेंगे बच्चों, मॉड ए, इस पॉइंट को समझेंगे। अंडर रूट ए स्क्वायर हमेशा क्या होगा, मॉड ए। कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम लोग तो ए स्क्वायर का मतलब पढ़े, रूट का मतलब पढ़े हैं पावर वन बाई टू, वन बाई टू, वन बाई टू, टू कट जाएगा, ए लिखे ना सर, मॉड ए क्यों लिखते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि नहीं बाबू, यदि a पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव ऐसे मान लेते हैं a 2 हो गया, तो बोलेगा सर 2 का स्क्वायर इसका रूट लेना है तो ये आ जाएगा 2, 2 बराबर 2 वैलिड है, लेकिन माइनस 2 हो गया तो माइनस 2 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 2, और ये आप लिख दीजिएगा माइनस 2 तो 2 बराबर माइनस 2 हो जाएगा, इसलिए सेफ्टी के लिए क्या लिखा जाता है, मॉड बच्चों। तो कभी भी अंडर रूट ए स्क्वायर को a नहीं लिखेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर इज ऑलवेज मॉड ए। कॉन्सेप्ट समझ में आया, रूट हमेशा नॉन निगेटिव क्वांटिटी होता है, और ये निगेटिव हो गया तो नॉन निगेटिव बराबर निगेटिव हो जाएगा, फिर इनवैलिड स्टेटमेंट हो जाएगा बच्चों। इसीलिए कभी भी अंडर रूट ए स्क्वायर को a नहीं लिखेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर को हमेशा क्या लिखेंगे, मॉड a लिखेंगे। ए स्क्वायर यदि लेस देन बी स्क्वायर है बच्चों, यदि आप ऐसे करते हैं कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग कर दीजिए दोनों साइड, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंडर रूट ए स्क्वायर हो जाएगा मॉड ए, मॉड ए लेस देन मॉड बी लिखेंगे बच्चों, यहां पे मॉड ए लेस देन मॉड बी लिखेंगे, नॉट ए लेस देन बी लिख देंगे, ये कॉन्सेप्ट समझिए। और ए माइनस बी क्या देता है बच्चों, ए माइनस बी इज द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी ऑन द रियल नंबर लाइन, ऑन द रियल नंबर लाइन, ए माइनस बी इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी ऑन द रियल नंबर लाइन। प्यारे बच्चों समझेंगे, मैंने क्या बताया है, मैंने बताया है कि मॉड जो होता है वो डिस्टेंस फ्रॉम जीरो देता है। मैं ऐसे लिख दूं बच्चों, एक एग्जांपल समझते हैं, टू माइनस थ्री का मॉड, तो 2 माइनस थ्री क्या आएगा, 2 माइनस थ्री का मॉड आएगा, आप बोलिएगा सर ये तो हो जाएगा माइनस वन, और फिर बोलिएगा माइनस वन का मॉड, बोलिएगा 1, रियल नंबर लाइन। मॉड आपको कॉम्प्लेक्स में भी पढ़ना है, अभी हम लोग रियल की बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो 2 और 3, 0 यहां है बच्चों, 1 2 3, ये 1 क्या दिया, 2 और 3 के बीच का डिस्टेंस दिया। तो a माइनस बी का मॉड क्या होता है, इज द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b ऑन द रियल नंबर लाइन बच्चों, ये a और b के बीच की दूरी को रिप्रेजेंट करेगा। अंडर रूट ए स्क्वायर हमेशा मॉड ए होगा, और दोनों तरफ यदि स्क्वायर है रूट रूट लेंगे तो दिस इज मॉड ए नॉट a, मॉड ए लेस देन मॉड b, इस तरह से आपको सोचना है प्यारे बच्चों। तो अंडर रूट ए स्क्वायर हमेशा मॉड ए होता है, ये हम बहुत यूज करेंगे इसको आगे, समझिएगा इसको कैसे हम लोग यूज करेंगे, सवाल से आपको दिखाते हैं कि कैसे यूज करेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर इज मॉड ए। एक सवाल लिखेंगे बच्चों, सॉल्व 1 - x = √(x²-2x+1). अंडर रूट ए स्क्वायर इज ऑलवेज मॉड ए, अंडर रूट ए स्क्वायर इज ऑलवेज मॉड ए, ध्यान देंगे बच्चों। 1 - x, और इसको लिख सकते हैं बच्चों x - 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहां पे बच्चों हम लोग क्या यूज करेंगे, यहां पे लिखेंगे मॉड x - 1 नॉट x - 1, हाँ या ना। अब मॉड के अंदर जो चीज है वो कैसे बाहर आया, माइनस साइन के साथ, इसको माइनस कॉमन ले लिए कि माइनस साइन के साथ बाहर आया, माइनस साइन के साथ कब बाहर आता है, जब मॉड के अंदर क्या हो, निगेटिव,
यानी x कितना हो जाएगा बच्चों, लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा बच्चों, यानी आंसर हो जाएगा माइनस इंफिनिटी टू 1 इज द राइट आंसर, माइनस इंफिनिटी टू 1 आंसर होगा, x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होगा बच्चों। तो बच्चों अभी तक के जो हम लोग सवाल देख रहे थे उसमें हम इक्वेशन डिस्कस कर रहे थे, अब हम मॉड्यूलस के साथ इनइक्वालिटी डिस्कस करेंगे। जो पीछे हम लोग इनइक्वालिटी पढ़े हैं बेसिक फंडामेंटल इनइक्वालिटी का, जो स्टार्टिंग लेक्चर में 3 लेक्चर हम जो बेसिक इनइक्वालिटी का आपको दिए हैं, उसमें जो इनइक्वालिटी का जो बेसिक फंडा है वो यूज होगा, और एक्स्ट्रा इसमें एक मॉड इंक्लूड हो जाएगा बच्चों, एक्स्ट्रा इसमें मॉड इंक्लूड हो जाएगा। तो उस मॉड को पहले ब्रेक करेंगे, और मॉड को ब्रेक करने के बाद फिर हम लोग इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे बच्चों। देखते हैं सवाल इनइक्वालिटी पे, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन लिखेंगे सॉल्व। बच्चों हम सिंपल सवाल से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे आगे देखेंगे कैसे यूज करते हैं। हम बार बार यही बोलेंगे बच्चों कि पहले प्रॉपर्टी सोचिए, प्रॉपर्टी वैलिड नहीं हो तब आप फिर केस बाई केस बनाइए बच्चों। अभी तक के सवाल में अंडर रूट ए स्क्वायर मॉड है, हम इसको यूज करेंगे, इसको ध्यान रखिएगा आगे का टॉपिक में। चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। मौसम बहुत अच्छा है, बारिश हो रहा है, और मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूं, आप भी इंजॉय कीजिए और हम भी इंजॉय कर रहे हैं बच्चों। फर्स्ट को देखते हैं, 1 से मॉड एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 3। पहले आप बोलिएगा सर ये डबल इनइक्विटी है, इनइक्विटी का कॉन्सेप्ट आपको भूलना नहीं है बच्चों, वो आगे यूज पड़ेगा। डबल इनइक्विटी सिस्टम, ये दोनों लीजिए पहले, x माइनस 2 का मॉड ग्रेटर इक्वल टू 1, और यहां हो जाएगा x माइनस 2 का मॉड लेस देन इक्वल टू 3। इस स्टेप में कोई डाउट है तो बोलिए। सिस्टम का मतलब इंटरसेक्शन, सिस्टम का मतलब इंटरसेक्शन। अब यहां पे क्या प्रॉपर्टी वैलिड है, यहां पे इसको मानते हैं 1 और इसको मानते हैं 2, क्या यहां पे प्रॉपर्टी वैलिड है? आप मुझे बस ये बताइए कि सर प्रॉपर्टी वैलिड है या नहीं है, प्रॉपर्टी वैलिड है या नहीं है। हम बोलेंगे वैलिड है, मॉड एक्स ग्रेटर इक्वल टू ए, ये कोई प्रॉपर्टी पढ़ा है, प्रॉपर्टी नंबर 9 में जाकर देखिएगा, ये होता है एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस ए और एक्स ग्रेटर इक्वल टू ए, तो ये फिट करना चाहिए डायरेक्ट कि हाँ प्रॉपर्टी वैलिड है, कि माइनस 1 से छोटा होगा एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 2 बड़ा होगा 1 से, ये लिखने आना चाहिए। माइनस 1 से छोटा और मतलब यूनियन, एंड मतलब इंटरसेक्शन, सेट थ्योरी में डिटेल से आएगा। 2 को उधर ट्रांसफर कीजिए बच्चों, एक्स लेस देन इक्वल टू 2 में से बन गया 1 और एक्स ग्रेटर इक्वल टू कितना 3, सोल्यूशन हो गया। इसको मानेंगे फर्स्ट सॉल्यूशन, एक और दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। आते हैं इक्वेशन नंबर 2 पे, 2 पे x माइनस 2 का मॉड लेस देन इक्वल टू 3। बच्चों फिर से याद कीजिए, प्रॉपर्टी याद कीजिए, मॉड x लेस देन इक्वल टू a क्या होता है, माइनस a से a के बीच में, माइनस a से a के बीच में, हम इसको क्लियर किए थे कैसे होता है, ये हो जाएगा माइनस 3 से 3 के बीच में, 2 ऐड कर दीजिए बच्चों, 2 ऐड करेंगे तो माइनस 1 से 5 के बीच में। लेकिन सिस्टम है, सिस्टम का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और आपको इंटरसेक्शन लेना आता है बच्चों। इंटरसेक्शन लेने के लिए क्या करोगे बच्चों, नंबर लाइन बनाओगे, नंबर लाइन पे सारा वैल्यू रिप्रेजेंट कीजिए, माइनस 1 1 3 5 3 5, ऐसे सॉल्यूशन मार्क करेंगे, ध्यान देंगे ये पूरा एक सॉल्यूशन है, 1 से छोटा और 3 से बड़ा, सर पढ़ा चुके हैं ड्यूटी में, 1 से छोटा और 3 से बड़ा, ये पूरा ब्लू वाला लाइन एक सॉल्यूशन है, और नीचे माइनस 1 से 5, माइनस 1 से 5 ये दूसरा सॉल्यूशन है, और दोनों का इंटरसेक्शन, सिस्टम मतलब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में ये रीजन आएगा। आप बोलिएगा सर x जो होगा वो माइनस 1 से 1 यूनियन 3 टू 5 होगा कि नहीं होगा बच्चों, हाँ या ना, तो माइनस 1 टू 1 यूनियन 3 टू 5 हो गया, यही आंसर है, इसमें मार्क्स मिल जाएगा आपको। तो ऐसे सोचना है, ऐसे सॉल्व करना है बच्चों, डबल इनइक्वालिटी
सिस्टम मॉड के प्रॉपर्टी से ब्रेक हुआ और मॉड के प्रॉपर्टी से ब्रेक होने के बाद फाइनल आंसर का इंटरसेक्शन ए एक्स आपका वैलिड एक्स होगा। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, मॉड फिर मॉड माइनस थ्री ग्रेटर देन वन। पहले सोचना है बच्चों कि क्या यहां प्रॉपर्टी वैलिड हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्रॉपर्टी वैलिड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम बोलेंगे कि मॉड एक्स ग्रेटर देन माइनस वन प्रॉपर्टी वैलिड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हो रहा है। ये होगा माइनस वन से छोटा कौन जो भी मॉड के अंदर लिखा रहता है और मॉड एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन वन, माइनस वन से छोटा और वन से बड़ा। इधर जाइए, ये हो जाएगा मॉड एक्स लेस देन थ्री में से बन गया टू और मॉड एक्स ग्रेटर देन फोर। क्या प्रॉपर्टी वैलिड है? माइनस टू से टू के बीच में और ये हो जाएगा माइनस फोर से छोटा और फोर से बड़ा, तीनों का यूनियन और मतलब यूनियन यूनियन। इसको यूनियन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू, पहले ये सबसे छोटा है माइनस इंफिनिटी से माइनस फोर, फिर बीच में यूनियन का साइन लगाएंगे माइनस टू टू टू, फिर बीच में यूनियन का साइन लगाएंगे फोर से इंफिनिटी। हो गया बच्चों, इस तरह से आप हैंडल कर सकते हैं मॉडुलस इनइक्वालिटी को। और भी वैरायटी है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आना चाहिए क्वेश्चन का लेवल, बहुत आराम से बता रहे हैं मॉडुलस, हर एक तरह का प्रॉब्लम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप इसको अच्छे से नोट कॉपी में लिखिए, एक एक चीज को समझिए, नोट कीजिए। सिर्फ लेक्चर देखने से नहीं होगा, आपको उसको नोट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं बच्चों। सॉल्व का मतलब बच्चों एक्स निकालना, एक्स माइनस वन का मॉड एक्स माइनस टू का मॉड ग्रेटर इक्वल टू फोर आ गया। तो इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे बच्चों, दो दो मॉड आ गए, यहां पे प्रॉपर्टी वैलिड नहीं होगा। प्रॉपर्टी वहां पे तब वैलिड था जब मॉड एक्स ग्रेटर इक्वल टू ए आ रहा था। इस तरह के सवाल को फिर वही फंडा यूज करेंगे, आपको क्या करना होगा बच्चों, इस तरह के सवाल के लिए फिर आपको वही करना होगा, केस में बांट करके बनाना होगा। फिर से जो फंडा इक्वेशन का था वही इनइक्वालिटी का होगा, वन और टू मॉड के अंदर के क्वांटिटी को जीरो करके एक्स निकालेंगे, कितना एक्स आया बच्चों दो, कितना टुकड़ा में बट गया एक दो तीन टुकड़ा में बट गया, कितना केस में बनेगा बच्चों, बार बार एक ही बात हम रिपीट कर रहे हैं, तीन केस में बनेगा। केस वन क्या लेंगे, एक से छोटा, दूसरा केस कैसे बांटते हैं वन और टू के बीच, और तीसरा केस कैसे लेंगे दो से बड़ा। आया ना, आंसर का केस के साथ इंटरसेक्शन लेंगे और फाइनल आंसर इज द यूनियन ऑफ ऑल द केसेस। बोर्ड पर ध्यान देंगे, केस वन इधर लिख रहे हैं और केस टू यहां और केस थ्री यहां। केस कैसे बांटते हैं समझ में आ गया, ये आ गया वन से टू और यहां पे टू पे इक्वल लगा लेंगे, एक्स ग्रेटर इक्वल टू टू। बच्चों जो कॉन्सेप्ट मैंने इक्वेशन में बताया था वही कॉन्सेप्ट यहां इनइक्वालिटी में भी वैलिड होगा। जो मॉड को तोड़ने का जो रूल है वो चेंज नहीं होने वाला है बच्चों, मॉड को जो तोड़ने का जो रूल है वो चेंज नहीं होगा बच्चों, ध्यान देंगे बोर्ड पे। मेन इक्वेशन को क्या मानेंगे, कैपिटल ए। अब देखिए कैपिटल ए कैसे ब्रेक होगा, फिर वही फंडा, एक से छोटा वैल्यू एज्यूम कीजिए मन में, जीरो निगेटिव निगेटिव, ये माइनस साइन के साथ बाहर आएगा और ये भी माइनस साइन के साथ बाहर आएगा, कितना माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस टू ग्रेटर इक्वल टू फोर, यानी माइनस टू एक्स प्लस थ्री ग्रेटर इक्वल टू फोर, यानी माइनस टू एक्स ग्रेटर इक्वल टू वन, एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस हाफ। माइनस टू से डिवाइड करने से इनइक्वालिटी चेंज करता है, निगेटिव से डिवाइड करने से इनइक्वालिटी चेंज करता है, लेकिन आंसर पे खुश नहीं होना है, आंसर का केस के साथ इंटरसेक्शन, आंसर का केस के साथ इंटरसेक्शन। और आप इंटरसेक्शन कैसे लेंगे बच्चों, आपको इंटरसेक्शन लेना आता है आपको माइनस हाफ और वन,
ये कह रहा है कि माइनस हाफ से छोटा लेना है, यहां करते हैं माइनस हाफ से छोटा लेना है, ये माइनस हाफ और ये हो गया वन, ये कह रहा है माइनस हाफ से छोटा लेना है, और ये केस कह रहा है कि नहीं वन से छोटा लेना है, यहां पे कभी सॉलिड नहीं होगा, वन से छोटा लेना है, इंटरसेक्शन में कौन आएगा माइनस इंफिनिटी से माइनस हाफ, ये केस वन का आंसर आ गया, आंसर का केस के साथ इंटरसेक्शन, आंसर का केस के साथ इंटरसेक्शन। बच्चों इक्वेशन में क्या था, एक सिंगल वैल्यू आ रहा था या दो वैल्यू आ रहा था, डायरेक्ट देख रहे थे कि उसके साथ वैलिड है कि नहीं, और यहां पे इंटरसेक्शन लेने के लिए आपको कौन सा टेक्निक यूज करना होगा, नंबर लाइन, आपको यूनियन इंटरसेक्शन लेना हम सिखा चुके हैं बच्चों। केस टू पे आइए, वन से टू के बीच में, वन और टू के बीच में कोई एक वैल्यू एज्यूम कीजिए मन में, 1.5, 1.5 माइनस वन पॉजिटिव, 1.5 माइनस टू निगेटिव, ये डायरेक्ट बाहर आएगा और ये माइनस साइन के साथ बाहर आएगा। मॉड को तोड़ना जरूरी है, बस एक ही चीज ध्यान देना है कि मॉड के अंदर जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव है या निगेटिव, पॉजिटिव होगा डायरेक्ट बाहर, निगेटिव होगा माइनस साइन के साथ बाहर, तो ये डायरेक्ट बाहर आया x माइनस वन और ये माइनस साइन के साथ बाहर आया बच्चों, x माइनस वन माइनस एक्स प्लस टू ग्रेटर इक्वल टू फोर, बच्चों ये आ गया बच्चों टू में से वन ग्रेटर इक्वल टू फोर, स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, स्टेटमेंट फॉल्स हो गया तो फाइव हो गया, और फाइव का इंटरसेक्शन लेंगे तो कुछ मिलेगा ही नहीं, कुछ मिला ही नहीं तो इंटरसेक्शन लेने की जरूरत ही नहीं है, तो इस केस में कुछ भी नहीं मिला, स्टेटमेंट एक्स से इंडिपेंडेंट है, जब स्टेटमेंट एक्स से, सुनिए गौर से, जब स्टेटमेंट एक्स से इंडिपेंडेंट हो जाए और लिखा हुआ स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए तो फाइव, और लिखा हुआ स्टेटमेंट ट्रू हो जाए तो ऑल रियल वैल्यू, सुनिए गौर से, यदि स्टेटमेंट एक्स से इंडिपेंडेंट हो और लिखा हुआ स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए तो फाइव नो सॉल्यूशन, और ट्रू हो जाए तो ऑल रियल वैल्यू। नेक्स्ट टू से बड़ा, टू से बड़ा एक वैल्यू एज्यूम कीजिए थ्री, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी डायरेक्ट बाहर और ये भी डायरेक्ट बाहर, चलिए ये आ गया 2x माइनस थ्री ग्रेटर इक्वल टू फोर, 2x ग्रेटर इक्वल टू सेवन, x ग्रेटर इक्वल टू सेवन बाई टू, लेकिन आपको दो से बड़ा लेना है, दो से बड़ा लेना है, कैसे लेंगे, ये हो जाएगा टू और ये हो जाएगा सेवन बाई टू, ये हो जाएगा दो से बड़ा और ये हो जाएगा सेवन बाई टू से बड़ा, इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा बच्चों सेवन बाई टू से कहां तक, इंफिनिटी तक होगा। फाइनल आंसर इज द यूनियन ऑफ ऑल द केसेस, तो फाइनल आंसर हम यहां लिख रहे हैं 10x बिलोंग्स टू यूनियन, केस वन में क्या मिला माइनस इंफिनिटी से माइनस हाफ, केस टू में कुछ नहीं मिला माइनस हाफ पे बिग ब्रैकेट क्लोज इंटरवल, इंटरवल पे ध्यान देना है, यूनियन केस थ्री में मिला सेवन बाई टू से इंफिनिटी, सबका यूनियन करके कलेक्ट करके एक फाइनल आंसर आ जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर देगा बच्चों माइनस इंफिनिटी से माइनस हाफ यूनियन सेवन बाई टू से इंफिनिटी। तो इस तरह से आप मॉडुलस इनइक्वालिटी को भी हैंडल कर सकते हैं बच्चों। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल इनइक्वालिटी पे, इधर हटा रहे नोट करेंगे बच्चों, उधर आ रहा बच्चों समझ में, मॉडुलस इंपॉर्टेंट है बच्चों, समझ में आना चाहिए, आना चाहिए। तो नेक्स्ट सवाल लिखते हैं बच्चों, सॉल्व x माइनस थ्री बाई एक्स प्लस वन का मॉड लेस देन इक्वल टू वन, ध्यान देना है कि प्रॉपर्टी से टूट रहा है या नहीं टूट रहा है, बार बार मेरी बात सुनेंगे, ध्यान देना है कि प्रॉपर्टी से ब्रेक हो रहा है या ब्रेक नहीं हो रहा है, तो मैं बोलूंगा कि ये प्रॉपर्टी से ब्रेक हो रहा है, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू वन क्या होगा, डायरेक्ट हो जाएगा माइनस वन से वन के बीच में, छोटा बड़ा के बीच में, ये वैलिड था, ये पॉजिटिव है, ये प्रॉपर्टी पे वैलिड है, अभी एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, ये सब गलती नहीं करेंगे बच्चे, एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, इनइक्वालिटी में आपको बता चुके हैं कि वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं होता है,
इसके लिए मैंने क्या टेक्निक बताया है, डबल इनइक्वालिटी सिस्टम, x माइनस थ्री बाई एक्स प्लस वन ग्रेटर इक्वल टू माइनस वन और x माइनस थ्री बाई एक्स प्लस वन लेस देन इक्वल टू वन। स्टेप में कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं होना चाहिए, डबल इनइक्वालिटी। अब क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे, मॉड से इंडिपेंडेंट हो गया। देखिए बच्चों, जैसे ही मॉड से इंडिपेंडेंट हुआ मॉड का काम खत्म हो गया, अब मॉड का यूज इसमें नहीं है। मॉड का काम जैसे खत्म हो गया अब क्या करेंगे बच्चों, दोनों इनइक्वालिटी को इंडिविजुअली सॉल्व कर लेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन, सिस्टम का मतलब इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन इज द फाइनल आंसर। तो इक्वेशन नंबर इनइक्वालिटी वन पे ध्यान देंगे। साइन स्कीम जो मैंने बताया था बच्चों, वो वैलिड कब होता है, जब जीरो इस माइनस वन को इधर लाइए प्लस वन और टू को जब सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा एक्स माइनस थ्री बाई एक्स प्लस वन माइनस वन लेस देन इक्वल टू जीरो। हाई अनाउंट, अरे बोलो ना, इनइक्वालिटी नहीं पड़ोगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। एक्स माइनस थ्री प्लस एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस वन ग्रेटर इक्वल टू कितना, जीरो। किया जाएगा टू एक्स माइनस टू बाई एक्स प्लस वन ग्रेटर इक्वल टू जीरो, टू हटा दीजिए, एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन ग्रेटर इक्वल टू जीरो। ये पढ़ा चुके हैं क्या, न्यूमरेटर को जीरो करेंगे, डिनोमिनेटर को जीरो करेंगे, सबको नंबर लाइन पे रखेंगे। न्यूमरेटर को जीरो किए वन, डिनोमिनेटर को जीरो किए माइनस वन, दोनों को नंबर लाइन पे रख दिए और साइन चेक करेंगे, वन से बड़ा टू, ये आएगा पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव। देख लीजिए, डिनोमिनेटर जहां पे जीरो होगा उसको तो भूल के भी नहीं लेंगे, माइनस वन को नहीं लेंगे, वन को ले सकते हैं, और पॉजिटिव लेना है तो आंसर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन पे ओपन इंटरवल, इंटरवल को अच्छे से यूज करना है, वन से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी। बच्चों अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, एक्स प्लस वन एलसीएम लेते हैं, कितना बच्चों, एक्स माइनस थ्री माइनस एक्स माइनस वन लेस देन इक्वल टू जीरो, ये कैंसिल आउट, माइनस फोर बाई एक्स प्लस वन लेस देन इक्वल टू जीरो। माइनस फोर से डिवाइड करने से इनइक्वालिटी क्या करेगा, चेंज कर जाएगा। इशारा करें यहां, निगेटिव से डिवाइड करने से इनइक्वालिटी चेंज कर जाता है, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं करता है और निगेटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से इनइक्वालिटी चेंज करता है। बच्चों प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा माइनस वन, माइनस वन से बड़ा जीरो लेंगे तो यह आएगा पॉजिटिव और यह आएगा निगेटिव, और आपको माइनस वन नहीं लेना है और पॉजिटिव लेना है तो आंसर हो जाएगा माइनस वन से इन्फिनिटी। ये सब हम लोग सीख चुके हैं इन्फिनिटी में। अब ये दोनों सिस्टम में है, ये दोनों का क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन। फाइनल आंसर इज द इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन। मॉड का काम बस यहीं तक था, इसके बाद मॉड का काम खत्म हो गया, उसके बाद इनइक्वालिटी सॉल्व करना है। माइनस वन और वन दिख रहा है मुझे, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन और वन से इन्फिनिटी, एक पूरा ये सॉल्यूशन में इसको एक लाइन में लिखेंगे, नीचे लिखेंगे माइनस वन से कहां तक, इन्फिनिटी। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन ये रीजन है, ये आ जाएगा बच्चों वन पे क्लोज, वन से इन्फिनिटी इज द फाइनल आंसर। तो भारी नहीं है बच्चों आपका इनइक्वालिटी, ऐसा नहीं कि आगे हम टॉपिक में बढ़ेंगे तो पीछे का टॉपिक आप भूल जाइए, पीछे का टॉपिक सब लिंक करेगा आगे के टॉपिक में। बेसिक काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन, बहुत आराम से सीखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं बच्चों, हटा रहे हैं इसको। बच्चों हम लोग और प्रैक्टिस करते हैं सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कैसे हैंडल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, नोट करेंगे, सॉल्व एक्स प्लस थ्री का मॉड प्लस एक्स बाई एक्स माइनस टू ग्रेटर देन वन, कुछ ऐसा ये इनइक्वालिटी है, कुछ ऐसा ये इनइक्वालिटी है। बच्चों सॉल्व करने का मतलब क्या पढ़े बच्चों, सॉल्व करने का मतलब एक्स निकालना। प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बहुत अच्छे से सीखिए, हटा रहे हैं बच्चों। बच्चों आप इस इनइक्वालिटी को गौर से देखिए,
इनफिनिटी में बस एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट आपके पास कौन है, ये मॉड डिस्टर्बिंग एलिमेंट है। यदि जब तक ये मॉड से इंडिपेंडेंट नहीं होगा तब तक इनइक्वलिटी या इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा, ये कॉन्सेप्ट हम लोग समझ चुके हैं। आपको पहले मॉड से इंडिपेंडेंट करना होगा। चलिए बच्चों, इस मॉड को ब्रेक करने के लिए क्या आपको करना होगा, तामझाम। x प्लस थ्री को जीरो, यानी x हो जाएगा माइनस थ्री, एक ही मॉड था तो माइनस थ्री को यदि हम नंबर लाइन पे लेंगे ये दो केस में बटेगा, माइनस थ्री से छोटा और माइनस थ्री से बड़ा। तो इसको हम लोग दो केस में हैंडल करते हैं बच्चों, एक होगा माइनस थ्री से छोटा और एक केस हैंडल करते हैं माइनस थ्री से बड़ा। एक जगह इक्वल लगाना है, दूसरी जगह नहीं लगाना है। केस क्यों लेना पड़ा, इस मॉडुलस को ब्रेक करने के लिए। जब तक वो मॉडुलस ब्रेक नहीं होगा वो इनइक्वलिटी सॉल्व नहीं होगा बच्चों। चलिए मेन इनइक्वलिटी को मान लेते हैं कुछ कैपिटल है, मुझे बताइए प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। माइनस तीन से छोटा कोई एक वैल्यू एज्यूम कीजिए मन में, माइनस तीन से छोटा माइनस फोर, माइनस फोर प्लस थ्री निगेटिव, ये बाहर आएगा माइनस साइन के साथ। चलिए स्टेप बाय स्टेप सीखिएगा मेरे साथ, मजा आ रहा होगा आप लोग को। x माइनस टू ग्रेटर देन वन, माइनस एक्स माइनस थ्री प्लस एक्स बाई एक्स माइनस टू, और ये वन को इधर लाइए ग्रेटर देन जीरो, ये एक्स एक्स कैंसल आउट, ये हो जाएगा माइनस थ्री माइनस ऑफ एक्स माइनस टू, नीचे में एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, माइनस एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो। माइनस से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वलिटी चेंज कर जाएगा, तो इसमें से माइनस कॉमन लिए, माइनस से मल्टीप्लाई किए, इनइक्वलिटी चेंज कर गया। और इसका आप रूल जानते हैं, न्यूमरेटर को जीरो करेंगे, डिनोमिनेटर को बार बार नहीं बोलेंगे, अब दो से बड़ा वैल्यू लेंगे तीन, ये आएगा पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव लेना है, यानी माइनस वन टू टू। लेकिन एक इंपॉर्टेंट काम करना होगा, केस के साथ इंटरसेक्शन आपको माइनस तीन से छोटा में ही सीमित रहना है। माइनस वन टू टू और माइनस तीन से छोटा दोनों में इंटरसेक्शन लेंगे तो कुछ नहीं मिला, आंसर इज फाइव। यूनियन इंटरसेक्शन पे तो कमांड होना चाहिए, दोनों में इंटरसेक्शन में कुछ नहीं मिला बच्चों, तो आंसर हो गया फाइव, चला गया नल सेट, नो सॉल्यूशन में आपका चला गया। हाँ या ना बच्चों, आंसर आया माइनस वन से टू, लेकिन आपने केस बांध दिया है कि माइनस तीन से छोटा लेना है, तो ये माइनस तीन से छोटा और माइनस वन से टू में कुछ भी कॉमन नहीं है बच्चों, तो ये हो जाएगा आंसर इसका फाइव हो जाएगा। सेम प्रोसेस को रिपीट कीजिए केस टू में, माइनस तीन से बड़ा लीजिए जीरो पॉजिटिव, तो एक्स प्लस थ्री प्लस एक्स बाई एक्स माइनस टू माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, टू एक्स प्लस थ्री माइनस ऑफ एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, टू एक्स में से एक्स गया, एक्स प्लस फाइव बाई एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, किया जाएगा माइनस फाइव और टू, टू से बड़ा थ्री, थ्री लेंगे तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, आंसर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस फाइव यूनियन टू से इन्फिनिटी, लेकिन आपको माइनस तीन से बड़ा लेना है, आपको माइनस तीन से बड़ा लेना है। चलिए क्या आंसर होगा बच्चों, आप बोलिएगा सर इंटरसेक्शन लेना हम लोग सीख चुके हैं ना, माइनस इन्फिनिटी से माइनस फाइव और टू से इन्फिनिटी, वो एक लाइन लिखेंगे और माइनस तीन से बड़ा नीचे इंटरसेक्शन लेंगे तो यह आएगा टू टू इन्फिनिटी, टू टू इन्फिनिटी। फाइनल आंसर इज द यूनियन ऑफ ऑल द केसेस, केस वन में मुझे कुछ मिला, केस टू में मुझे कुछ मिला, दोनों को करेक्ट करना ही यूनियन कहलाता है, तो फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों टू टू इन्फिनिटी इज द फाइनल आंसर। केस वन में कुछ मिला ही नहीं, केस टू में मुझे मिला सिर्फ टू टू इन्फिनिटी, तो फाइनल आंसर इज द यूनियन ऑफ ऑल द केसेस, सारे को कलेक्ट कर लेंगे तो फाइनल आंसर हो जाएगा। आ रहा है बच्चों क्वेश्चन का लेवल समझ में, हटाते हैं बच्चों इधर, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं बच्चों, और भी प्रैक्टिस कराते हैं मॉडुलस के। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व, टू एक्स माइनस फोर का मॉड लेस देन एक्स माइनस वन,
समझेंगे। इक्वेशन पे मैंने प्रैक्टिस किया, अब हम लोग इनइक्विटी पे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और कैसे हैंडल होगा आप समझ रहे हैं। क्या यहां प्रॉपर्टी वैलिड है? प्रॉपर्टी तब वैलिड होता बच्चों जब मॉड एक्स लेस देन ए, ये पॉजिटिव होता तो डायरेक्ट लिख देते हैं माइनस ए से ए के बीच में, लेकिन ये पॉजिटिव निगेटिव नहीं है, ये वेरिएबल है, इतना बात आप समझिए। तो बच्चों मॉड एक्स यहां पे केस में बांटना होगा, मॉड के अंदर को जीरो करेंगे एक्स आ जाएगा टू, ये दो केस में बनेगा, दो से छोटा और दो से बड़ा। बच्चों बार बार हम एक ही चीज को रिपीट करते हैं, गौर से सुनिएगा, मॉड के अंदर जो भी है उसको जीरो से इक्वेट कर देंगे और जितना एक्स आएगा सबको नंबर लाइन पे रखेंगे और हर एक केस वाई केस बनाएंगे। तो बच्चों यहां पे एक्स का वैल्यू टू आ रहा है, मतलब ये कितना केस में बनेगा? दो केस में बनेगा। बच्चों केस वन लेते हैं एक्स लेस देन इक्वल टू टू, और केस टू लेते हैं बच्चों एक्स ग्रेटर देन टू। हा या ना? अरे बोलो ना। दो से छोटा, दो से छोटा कोई एक वैल्यू मन में एज्यूम करो, मन में जीरो नेगेटिव, ये माइनस साइन के साथ बाहर आएगा, ये आ जाएगा माइनस टू एक्स प्लस फोर, एक्स माइनस फोर इधर भेजिए, माइनस थ्री एक्स लेस देन माइनस फाइव, माइनस थ्री से डिवाइड कीजिए, माइनस थ्री से डिवाइड करने से इनफिनिटी चेंज कर जाएगा। अब इस पे कमांड कीजिए, लेकिन आपको दो से छोटा लिमिटेड रहना है। आंसर जो आया और आपने केस जो लिया है दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा। हाँ या ना बच्चों? तो आंसर कह रहा है 5 बाई थ्री और ये 2, आंसर कह रहा है कि 5 बाई थ्री से बड़ा और केस कह रहा है कि नहीं दो से छोटा, दोनों में कॉमन मुझे मिला 5 बाई थ्री पे ओपन और 2 पे क्लोज, ये आ गया आपका 5 बाई थ्री से 2। सेम प्रोसेस को मैं रिपीट करूंगा केस 2 के लिए, बच्चों ध्यान देंगे बोर्ड पे, दो से बड़ा 3, 3 × 2 = 6 माइनस 4, 2 पॉजिटिव, डायरेक्ट बाहर, डायरेक्ट बाहर कितना x माइनस 1, मॉड टूट गया इस केस के लिए, मॉड ब्रेक हो गया। अब जैसे ही मॉड ब्रेक हुआ इसको इधर लाएंगे कितना आ जाएगा x लेस देन 3, लेकिन आपको तो 2 से बड़ा रहना है, आपको 2 से बड़ा रहना है, ये हो गया बच्चों 2 और ये हो गया बच्चों 3, ये कह रहा है 2 से बड़ा और ये 3 से छोटा, यहां पे आ जाएगा 2 से 3। केस 1 में मुझे कुछ मिला, केस 2 में मुझे कुछ मिला, फाइनल आंसर इज द यूनियन ऑफ ऑल द केसेस। तो फाइनल आंसर हम कैसे लिखेंगे बच्चों? एक्स जो होगा बच्चों वो होगा 5 बाई 3 से 2, 2 पे बिग ब्रैकेट यूनियन 2 टू 3, इसको और कॉम्पैक्ट कर देंगे तो 5 बाई 3 से 2 और 2 से 3 यूनियन में आ जाएगा 5 बाई 3 से कहां तक? 3 तक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बच्चों? 5 बाई 3 से 3 आ जाएगा बच्चों। इस तरह से आप मॉड को ब्रेक कीजिए और ब्रेक करने के बाद आप हैंडल कीजिए। तो इनइक्विटी पे और प्रैक्टिस कराते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना बच्चों, सॉल्व x माइनस 2 का मॉड माइनस 3 लेस देन 5, डबल दो मॉड आ जाए। अभी हम लोग इक्वेशन में भी ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किए हैं बच्चों कि दो दो मॉड आ जाए तो क्या करेंगे। आ रहा बच्चों समझ में? बेसिक काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें हम वैसा टॉपिक डिस्कस करते हैं जो काफी यूजफुल और ये आपको क्लास 12th में भी काम आएगा, कैलकुलस में आपको बहुत काम आने वाला है बेसिक कॉन्सेप्ट, इसको हम लोग अलग से इसको डिस्कस कर रहे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए सवाल कहिए, सवाल उधर है, सॉल्यूशन यहां कर रहे हैं। x माइनस 2 का मॉड माइनस 3 लेस देन 5, पहला चीज क्या ध्यान देना है बच्चों? पहला चीज आपको ध्यान देना है कि प्रॉपर्टी वैलिड है या नहीं है, प्रॉपर्टी वैलिड है या नहीं है, यहां प्रॉपर्टी वैलिड है तो ये हो जाएगा माइनस 5 से x माइनस 2 का मॉड माइनस 3, ये मॉड टूट गया माइनस 5 से 5 के बीच में।
मॉड के अंदर जो भी है ये पूरा क्वांटिटी माइनस फाइव से फाइव के बीच में होगा, हाँ या ना? ये पूरा क्वांटिटी माइनस फाइव से फाइव के बीच में होगा, हाँ या ना? तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये थ्री ऐड कर दीजिए तो माइनस फाइव प्लस थ्री माइनस टू से मॉड एक्स माइनस टू फाइव थ्री एट के बीच में होगा। थ्री जोड़ने से इनक्लूडी चेंज नहीं करेगा, फिर डबल इनक्लूडी सिस्टम मॉड एक्स माइनस टू ग्रेटर देन माइनस टू और मॉड एक्स माइनस टू लेस देन एट, ये दोनों फिर ये दोनों। बच्चों मैंने जो आपको प्रॉपर्टी पढ़ाया है वो तीन केस में पढ़ाया है बच्चों, जब पॉजिटिव हो, ए जब निगेटिव हो और जीरो हो। मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव नंबर माइनस टू से बड़ा है तो इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चों? ऑल रियल वैल्यू होगा कि नहीं होगा, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये मॉड हमेशा एक्स कुछ भी डालेंगे उसका मॉड लेंगे पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव नंबर निगेटिव से बड़ा है, स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। और जब स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू हो जाए बच्चों तो ऑल रियल वैल्यू आंसर होता है। इसका आंसर क्या होगा? माइनस एट से एक्स माइनस टू किसके बीच? एट के बीच। टू ऐड कर दीजिए, टू ऐड करेंगे तो माइनस सिक्स से एक्स किसके बीच? टेन के बीच। दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो यही आएगा इंटरसेक्शन में ऑल रियल वैल्यू, और इसका इंटरसेक्शन लेंगे पर बोर्ड पे देख लीजिए करेंगे नहीं, ऑल रियल वैल्यू पूरा हो गया और ये माइनस सिक्स टू टेन हो गया, जब इंटरसेक्शन लेंगे बच्चों तो आंसर हो जाएगा माइनस सिक्स टू टेन इज द आंसर। कहां भारी है? प्रॉपर्टी लग रहा है, प्रॉपर्टी से ब्रेक करेंगे, नहीं लग रहा है केस में ब्रेक करेंगे। तो जब प्रॉपर्टी लगे तो आपको प्रॉपर्टी पे ही सोचना है बच्चों, प्रॉपर्टी पे ही सोचना है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है इसको देखते हैं। एक्स माइनस वन का मॉड एक्स माइनस टू का मॉड एक्स माइनस थ्री का मॉड ग्रेटर इक्वल टू कितना? सिक्स। ग्रेटर इक्वल टू सिक्स, ध्यान देंगे तीन तीन मॉड है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए हैं पीछे, तो तीन तीन मॉड है, परेशान आपको नहीं होना है, जो रूल है वो रूल वैलिड है और उसको समझना है। फिर वही वन टू थ्री, ये हम बोलता चार केस में बनेगा, वन से छोटा, वन और टू के बीच, टू से थ्री और थ्री से बड़ा बनेगा बच्चों। क्वेश्चन लिखेंगे साथ साथ सॉल्यूशन नोट करेंगे, समझते भी रहेंगे बच्चों। केस वन क्या बोले बच्चों? केस वन बोलते हैं वन से छोटा, इधर आइए। केस टू क्या बोलते हैं बच्चों? वन से टू के बीच में। केस थ्री टू से थ्री के बीच में, और केस फोर ग्रेटर इक्वल टू थ्री। थ्री टू को कहीं एक जगह यहां शामिल कर लीजिए और वन को आप एक जगह शामिल कर चुके हैं। एक से छोटा, एक और दो के बीच में, दो और तीन के बीच में, तीन से बड़ा। बच्चों वन से छोटा, इसको मान लेते हैं कैपिटल ए। वन से छोटा आप अपने मन में एक वैल्यू एज्यूम कीजिए वन से छोटा, और वन से छोटा वैल्यू एज्यूम करने के बाद आप उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कीजिए। वन से छोटा कितना? जीरो। निगेटिव निगेटिव निगेटिव, कैसे बाहर आएगा? माइनस साइन के साथ। कैसे बाहर आएगा? माइनस साइन के साथ। कैसे बाहर आएगा? माइनस साइन के साथ। तीनों मॉड माइनस साइन के साथ बाहर आएगा कि नहीं आएगा बच्चों? माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू थ्री सिक्स ग्रेटर इक्वल टू सिक्स, यानी माइनस थ्री एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो, एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो। माइनस थ्री इज निगेटिव और निगेटिव से डिवाइड करने से इंक्लूडी चेंज करता है, लेकिन आपको केस के साथ इंटरसेक्शन लेना होगा। जीरो वन, ये कह रहा है जीरो से छोटा, ये कह रहा है वन से छोटा, इंटरसेक्शन लेंगे तो आएगा माइनस इंफिनिटी टू जीरो। केस वन इज सॉल्व। सेम प्रोसेस रिपीट करते हैं बच्चों केस टू के लिए, कैसे हैंडल करेंगे? पहले बच्चों
केस टू में वन और टू के बीच 1.5 पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये डायरेक्ट बाहर आएगा और ये दोनों माइनस साइन के साथ बाहर आएगा बच्चों। एक्स एक्स कैंसल आउट, एक्स माइनस वन माइनस एक्स प्लस टू माइनस एक्स प्लस थ्री ग्रेटर इक्वल टू सिक्स, एक्स एक्स कैंसल आउट बच्चों, ये हो गया माइनस एक्स, थ्री टू फाइव, फाइव में से वन गया फोर, फोर उधर गया टू, स्टेप छोड़ रहे हैं, एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस टू, निगेटिव चेंज कर गया। लेकिन आपको वन से टू के बीच में लेना है, इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, फाइव आएगा ही नहीं, ये कह रहा है माइनस दो से छोटा लेना है, और आपका केस है वन से टू, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ भी कॉमन नहीं तो इंटरसेक्शन कितना फाइव, नल सेट। टू से थ्री 2.5 पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव डायरेक्ट बाहर, डायरेक्ट बाहर माइनस साइन के साथ बाहर, एक्स एक्स कैंसल आउट, कितना एक्स माइनस वन माइनस टू प्लस थ्री ग्रेटर इक्वल टू सिक्स, कितना बच्चों एक्स ग्रेटर इक्वल टू सिक्स, देख लीजिए थ्री सिक्स, बट दो से तीन के बीच में लेना है, दो से तीन के बीच में ये भी हो जाएगा फाइव में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आते हैं लास्ट केस में, तीन से बड़ा चार, तीनों पॉजिटिव, डायरेक्ट बाहर, डायरेक्ट बाहर और डायरेक्ट बाहर, कितना बच्चों 3x माइनस सिक्स ग्रेटर इक्वल टू सिक्स, यानी कितना 3x ग्रेटर इक्वल टू कितना 12x ग्रेटर इक्वल टू कितना बच्चों 4, लेकिन आपको लेना है तीन से बड़ा, आपको इंटरसेक्शन और यूनियन समझ में आ गया है, तीन और ये हो गया चार बच्चों, तीन से बड़ा और ये चार से बड़ा, इंटरसेक्शन लेंगे तो कितना आएगा चार से बड़ा, चार से बड़ा। फाइनल आंसर इज द यूनियन ऑफ ऑल द केसेस, फर्स्ट केस में ये मिला, केस टू में कुछ नहीं, केस थ्री में कुछ नहीं, केस फोर में ये आंसर मिला, दोनों का यूनियन ले लेंगे, फाइनल से कमेंट करेंगे कि माइनस इंफिनिटी टू जीरो यूनियन फोर टू इंफिनिटी, मतलब आंसर का केस के साथ इंटरसेक्शन एंड फाइनल आंसर इज द यूनियन ऑफ ऑल द केसेस, सारे केस का यूनियन ले लेंगे तो मुझे फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम लोग मॉड का इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं बच्चों, ऐसा नहीं कि सिर्फ मॉड यहां ही आएगा, आगे के टॉपिक्स में भी मॉड आएगा बच्चों, आगे के टॉपिक में भी मॉड आएगा, आपको ध्यान देना होगा, बस मॉड का जो कॉन्सेप्ट है मैं नेक्स्ट लेक्चर भी पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट टॉपिक भी पढ़ाऊंगा तो उसमें मॉड आएगा, इसलिए आप ऐसा नहीं सोचिए कि मॉड हो गया खत्म, नहीं, ये सब टॉपिक लिंक होगा आगे के टॉपिक में भी, वहां पे भी क्वेश्चन में मॉड का कॉन्सेप्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों, ध्यान देंगे, फिर दो दो मॉड है, मॉड को तोड़ना जरूरी है, जब तक ये मॉड से इंडिपेंडेंट नहीं होगा तब तक इसका इक्वेशन इनइक्वालिटी सॉल्व नहीं होगा बच्चों। प्यारे बच्चों बोर्ड पे ध्यान देंगे, ये जो मॉड है एक्स है, इस मॉड के अंदर के क्वांटिटी को जीरो करेंगे, इस मॉड के अंदर के क्वांटिटी को जीरो करेंगे तो एक आएगा एक्स इक्वल टू जीरो बच्चों, हाँ या ना। दूसरा, इस पूरे मॉड को भी तो जीरो कर सकते हैं, मॉड एक्स माइनस वन को जीरो, यहां से आ जाएगा मॉड एक्स इक्वल टू वन, यानी एक्स कितना आ जाएगा बच्चों प्लस माइनस वन, यानी छोटा वाला मॉड भी ब्रेक कर दिए और बड़े वाले मॉड को भी ब्रेक कर दिए, कितना आ गया तीन वैल्यू माइनस वन जीरो और वन, कितना केस में बनेगा बच्चों चार केस में बनेगा बच्चों, तो ऐसा नहीं कि परेशान नहीं होना है, चार केस में बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं, चार केस में बनाएंगे, चार केस में बनेगा तो चार केस में बनाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, परेशान नहीं होना है, जितना केस में बने कोई दिक्कत नहीं। प्यारे बच्चों समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, पहले मैंने छोटे वाले मॉड को ब्रेक किया, फिर मैंने इस बड़े वाले मॉड को ब्रेक किया और इसको चार केस में डिवाइड किया, केस वन कितना बच्चों माइनस वन से छोटा, बराबर लगा देते हैं, इधर आइए बच्चों केस टू, केस टू क्या कमेंट करेंगे बच्चों माइनस वन से जीरो, केस थ्री बच्चों
जीरो से वन, और केस फोर कितना बच्चों, एक्स ग्रेटर इक्वल टू वन। माइनस वन पे यहां इक्वल लगा है, यहां नहीं लगाएंगे, जीरो पे यहां लगा देते हैं और वन पे कहीं एक जगह लगा देते हैं। इसको मानते हैं कैपिटल ए। अब समझते हैं इसको कैसे ब्रेक करेंगे प्यारे बच्चों, बहुत आराम से। पहले माइनस वन से छोटा एक वैल्यू लेंगे माइनस टू, और माइनस टू को पहले इस मॉड के अंदर रखेंगे, तो ये मॉड कैसे बाहर आएगा, माइनस एन के साथ बाहर आएगा, ये ब्रेकआउट हो गया, पहले ये मॉड ब्रेक हो गया। ये जो छोटा वाला मॉड था ये माइनस एन के साथ बाहर आ गया, अब एक बड़ा वाला मॉड बचा, फिर माइनस टू डालेंगे तो माइनस टू क्या गया, माइनस टू टू में से वन गया, वन पॉजिटिव, तो ये डायरेक्ट बाहर आ गया, दिया गया। यहां से आएगा बच्चों माइनस वन लेस देन वन, एक्स कट जाएगा। हमने बताया अभी आपको यदि वेरिएबल कट जाए और लिखा हुआ स्टेटमेंट ट्रू हो जाए तो क्या आंसर होगा, ऑल रियल वैल्यू, और लिखा हुआ स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए तो फाइव होगा। माइनस वन लेस देन वन स्टेटमेंट इज ट्रू, ये ऑल रियल वैल्यू, लेकिन इसका जब इंटरसेक्शन लेंगे माइनस वन के साथ आंसर हो जाएगा माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन, ये बचेगा बस इंटरसेक्शन में आएगा। केस वन सॉल्व, वेट, सेम प्रोसेस रिपीट करते हैं केस टू के लिए, सेम प्रोसेस रिपीट करते हैं केस टू के लिए। बोलेंगे बच्चों माइनस वन टू जीरो, माइनस वन टू जीरो के बीच कोई एक वैल्यू लीजिए माइनस जीरो पॉइंट फाइव, निगेटिव माइनस एन के साथ बाहर आएगा, फिर माइनस जीरो पॉइंट फाइव, जीरो पॉइंट फाइव माइनस वन, फिर निगेटिव, फिर ये माइनस एन के साथ बाहर आएगा, कितना एक्स प्लस वन लेस देन वन माइनस एक्स, टू एक्स लेस देन जीरो, एक्स लेस देन जीरो, लेकिन ये माइनस वन से जीरो के बीच में है, ये आ गया माइनस वन टू जीरो, जीरो से छोटा, और एक आ गया माइनस वन टू जीरो, यही आ जाएगा आपका माइनस वन टू जीरो, माइनस वन टू जीरो। आंसर का केस के साथ इंटरसेक्शन, आंसर का केस के साथ इंटरसेक्शन, थर्ड केस की तरह पढ़ते हैं। जीरो टू वन, जीरो टू वन, जीरो पॉइंट फाइव पॉजिटिव, ये डायरेक्ट बाहर, जीरो पॉइंट फाइव माइनस वन निगेटिव, ये माइनस साइन के साथ बाहर, माइनस एक्स प्लस वन लेस देन वन माइनस एक्स, वन लेस देन वन स्टेटमेंट इज फॉल्स, विच इज फॉल्स, जब स्टेटमेंट इज फॉल्स, वन वन से छोटा नहीं होता है बच्चों, इक्वल होता तो हो जाता सही, फाइव हो जाएगा, फाइव होगा तो निकालने की जरूरत नहीं है, इंटरसेक्शन नहीं लेना। चलिए लास्ट केस पे आइए बच्चों, वन से बड़ा टू पॉजिटिव डायरेक्ट बाहर, टू में से वन गया वन पॉजिटिव डायरेक्ट बाहर, टू एक्स लेस देन टू, एक्स लेस देन वन, लेकिन आपको कह रहा है कि वन से बड़ा लेना है, ये वन से छोटा गया, वन से छोटा वन से बड़ा में कोई कॉमन नहीं है, फाइव। फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे बच्चों, फाइनल आंसर यूनियन एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन, और ये हो जाएगा माइनस वन टू जीरो, इसको कॉम्पैक्ट कर सकते हैं माइनस इंफिनिटी से माइनस वन और माइनस वन से जीरो, हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से पूरा जीरो, यूनियन ले लेंगे, दिस इज द फाइनल आंसर। चलिए बच्चों एक और सवाल देखते हैं, इस पे सवाल पे आ रहा है मजा, समझ में आना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, और इंजॉय कीजिए और बताइए कि कैसा लग रहा है आपको, आपका कमेंट ही मेरे लिए एनर्जी का काम करेगा और मुझे एनर्जी आएगा, मुझे वीडियो बनाने में मजा आएगा, और भी अच्छी अच्छी चीजें आपके साथ मैं शेयर करूंगा बच्चों। चीजें अच्छी अच्छी हैं मेरे पास, जितना मैं जानता हूं कोशिश करूंगा आपके साथ शेयर करूं, आपको भी मजा आना चाहिए और मुझे भी अच्छा लगना चाहिए। वीडियो देखने के बाद कमेंट कीजिए, क्लास तो है नहीं, क्लास के एक्सप्रेशन में मुझे पता चल जाता है कि कौन बच्चे एक्सप्रेशन क्या है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। चलिए एक एक्सप्रेशन है, मुझे एक्स का वैल्यू निकालना है, सॉल्व करना है, कैसे हैंडल करेंगे। पहले हम क्या बोले हैं,
केस पे सोचिए, प्रॉपर्टी पे सोचिए। मॉड एक्स ग्रेटर इक्वल टू ए, ये होगा छोटा माइनस हाफ से छोटा, और वन माइनस मॉड एक्स बाई वन प्लस मॉड एक्स ग्रेटर इक्वल टू हाफ। ये स्टेप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले मैंने इस बड़े वाले मॉड को ब्रेक किया माइनस हाफ से छोटा और हाफ से बड़ा, पहले केस पे नहीं सोचना है। इसको कॉम्पैक्ट कीजिए तो वन प्लस मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स बाई वन प्लस मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस हाफ, और इधर जाएगा तो वन प्लस मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स बाई वन प्लस मॉड एक्स ग्रेटर इक्वल टू हाफ। मॉड एक्स कैंसिल आउट, मॉड एक्स कैंसिल आउट, इधर आएगा। आगे बढ़ेंगे, ध्यान देंगे बच्चों, ध्यान देंगे। वन बाई वन प्लस मॉड एक्स पर यह आ जाएगा प्लस वन बाई टू लेस देन इक्वल टू जीरो, और का मतलब यूनियन वन बाई वन प्लस मॉड एक्स माइनस वन बाई टू ग्रेटर इक्वल टू जीरो। बच्चा टू एलसीएम लेंगे, टू इंटू वन प्लस मॉड एक्स एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? टू प्लस वन प्लस मॉड एक्स, इधर आ जाएगा टू इंटू वन प्लस मॉड एक्स एलसीएम लेंगे तो टू वन प्लस मॉड एक्स। बहुत आराम से सुनेंगे, मैंने बताया है इनइक्विटी में उसी चीज से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं जिसके बारे में हम कंफर्म हो कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वेरिएबल से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसको गौर से देखिए तो बच्चों, ये क्या होगा? ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा नहीं होगा? मॉड पॉजिटिव होता है ना, पॉजिटिव में वन जोड़ेंगे पॉजिटिव, इंटू टू पॉजिटिव। इसके बारे में मुझे पता चल गया कि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने से इनइक्विटी चेंज नहीं करेगा, ये जाके जीरो के साथ गुना हो गया। चलिए इधर आइए, वन माइनस मॉड एक्स ये भी जाके इधर मल्टीप्लाई हो गया, इससे हम गुना कर सकते थे क्योंकि मुझे इसके बारे में पता है कि ये पॉजिटिव है। मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस थ्री, और यहां से आ जाएगा मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू वन। क्या मॉड कभी माइनस थ्री से छोटा होगा? नहीं। इसका आंसर हो जाता है फाइव, और इसका आंसर होता है माइनस वन से वन, दोनों का यूनियन लेंगे आएगा बच्चों माइनस वन टू वन। ये था बच्चों आपका मॉडुलस, मैंने मॉडुलस का प्रॉपर्टी डिस्कस किया, मॉडुलस का इक्वेशन डिस्कस किया, मॉडुलस पे इनइक्विटी डिस्कस किया, लेकिन मॉडुलस आपका समाप्त नहीं हुआ है बच्चों, मॉडुलस आगे के टॉपिक में भी आएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर होगा बच्चों हम लोग पढ़ेंगे साइन स्कीम ऑफ क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक बच्चों डिटेल से पढ़ना है अल्जेब्रा में, लेकिन हम लोग उसका साइन स्कीम वाला पार्ट यहां पढ़ेंगे, और फिर जो क्वाड्रेटिक चैप्टर अल्जेब्रा में स्टार्ट करेंगे तो वहां डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग बेसिक पढ़ेंगे साइन स्कीम ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन।